हाथ में बॉर्डर होनी चाहिए हिंदुस्तान के, कैसे देखते हैं आप? टॉपिक क्या यही है। देखिए, जहाँ तक आप सब जानते हैं कि पिछली सरकार जो प्रदेश की सरकार थी वो एक युवा हमारे बड़े भाई और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में थी, और जिस तरीके से एक तरफा विकास हुआ है, और विकास ही नहीं बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि एक तरफा नौजवानों की बात को जो सुना गया है, हर क्षेत्र में हम लोगों ने कोशिश की कि नौकरी मिले, आईटी सेक्टर हो उसको हमने आगे बढ़ाया, साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, जो जनता थी उसको सुरक्षित रखने के लिए 100 नंबर जैसी सेवा का हम लोगों ने शुरू किया। तो मैं मानता हूँ कि जो एक सोच युवा रखता है, जो एक एक्सपोजर युवा रखता है, उसको कहीं ना कहीं हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इस भारत देश को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत ही जल्दी डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उस बदलाव से अगर कोई लड़ सकता है तो आज का युवा लड़ सकता है, उसको अगर कोई समझ सकता है तो युवा समझ सकता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आज के समय में बागडोर के साथ साथ बल्कि इस देश को कैसे आगे बढ़ा जाए इसके ऊपर अगर सोचना पड़ेगा तो युवाओं को आगे लाना हम लोग को ज़रूरी है। मोदी जी की सोच ठीक है कि पुराने लोग उनको रिटायर कर दिया जाए? मैं ये मानता हूँ कि एक कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ तक नौजवानों की बात है, नौजवानों को मैंने जैसा कहा आगे आना चाहिए, लेकिन नौजवानों के साथ साथ हमें बुज़ुर्गों की भी ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो हम नौजवानों को आगे बढ़ाता है। कई बार ऐसे समय आते हैं जब हम नौजवान ऐसी मुश्किलों में फंसते हैं कि जिनका जो बाहर निकलने का ज़रिया होता है वो कोई पुराने बुज़ुर्ग अपने सुझाव से, अपने एक्सपीरियंस से हमको बता सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि बुज़ुर्गों का जो एक्सपीरियंस है उसकी भी हमको बहुत ज़रूरत है, तो उनको भी साथ लेकर युवाओं को चलना चाहिए। यूपी के हालात आप कैसे देखते हैं, यूपी से ताल्लुक रखते हैं, क्या लगता है डेवलपमेंट हो रहा है? मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना इस प्रदेश को ज़रूरत है और जितना होता आया है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैं डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं मानता हूँ कि आप सड़कें बना दें, मैं ये मानता हूँ कि जो नेसेसिटी है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, क्या उनको आपकी सरकार पूरी कर रही है? और मैं ये मानता हूँ कि इस चीज़ में सरकार ये फेल है, ना ही आप लोगों ने किसानों को सही समय पर खाद उपलब्ध करा पा रहे थे। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, किसी तरीके से जो सब्सिडी मिलती थी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वो दी जाए ताकि किसान को सही समय पर खाद उपलब्ध हो, वो नहीं हो पाए। उसके अलावा मैं मानता हूँ कि नौकरियाँ देना ज़रूरी है। आज के समय में आप बता दीजिए इस सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई, कौन सा ऐसा नया विंग है जो सरकार ने खोला हो लोगों की मदद करने के लिए, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट के जो पुरानी योजनाएं हम लोगों ने चलाई थी, कोई वो योजना पे समाजवादियों की छाप तो नहीं लगी थी, वो योजना खास करके यहाँ के लोगों के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए चलाई गई थी, उनको सुरक्षित रखने के लिए चलाई गई थी, अगर उनको आप बंद कर देंगे तो ये जनता में कैसा मैसेज भेजना चाहते हैं? इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि इस प्रदेश में इस समय वो विकास नहीं हो रहा है जिस विकास की इस प्रदेश के लोगों को ज़रूरत है।